अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सरकार की योजनाओं और महिला अधिकारों की जानकारी दी गई। रामपुर के क्यू भाग में मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं और विभिन्न पंचायतों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आई महिला मंडल ने एक के बाद एक मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों की खूब वाहवाही भी लूटी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सुषमा मेखा भी शामिल रही। इस मौके पर बीना परमार ने बताया कि मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें महिला मंडलों और पंचायती राज के संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान उनके अधिकारों के बारे में बताया गया और मोदी सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ज्ञान भी दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम वीना परमार है। मैं मिशन मोदी अगेन पीएम में महिला मोर्चा में महामंत्री हूं प्रदेश में। आज हमने महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा था यहाँ पर चोहाबाग में, तो हमने महिला मंडल की सभी प्रधान, हमारी जो इलेक्टेड प्रधान हैं पंचायतों में, हमने सबको आमंत्रित किया था और हमने महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये कार्यक्रम रखा था। हम इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करवाया और उन्हें नारी सशक्तिकरण के बारे में मोदी जी की जो भी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनके बारे में हमने अवगत करवाया। वहीं दूसरी ओर रामपुर के रैन बसेरा में महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर और ननखड़ी परियोजना क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान शामिल हुए। इस समारोह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रेरणादायक प्रस्तुतियों से महिलाओं को सजगता, अधिकारों और महिलाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय भद्रेल ने बताया कि रामपुर और ननखड़ी परियोजनाओं द्वारा रामपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित कई अन्य कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम रामपुर के शहर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उपमंडल अधिकारी रामपुर की अध्यक्षता में रामपुर और ननखड़ी परियोजना का मिलकर जो है यहाँ पर महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान,